मैं दिन रख दे, क्या सावरकर का विरोध इसलिए है क्योंकि वो कई बार हिंदुत्व की बातें कर दिया करते थे? देखिए, हम उनका विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के छठवें दिन विनायक दामोदर सावरकर को गांधी जी की हत्या के मामले में मुंबई से उन्हें गिरफ्तार किया गया। मगर उसी उससे दो महीने बाद फरवरी 1949 में उन्हें बरी भी कर दिया गया। इंदिरा गांधी ने कहा कि अंग्रेजों को हिला कर दिया था। जब गांधी जी को एक दावतनामा भेजते हैं, आप लिख कर चले आएंगे यहाँ पर। सावरकर जी ने खुद बुलाया गांधी जी को, आपकी मेरे घर पे दावत है, मगर उन्होंने कहा तुम मांस और मछली खाते हो इसलिए मैं नहीं आऊंगा तुम्हारी दावत में। बिल्कुल बिल्कुल एग्जांपल। और जब तुम माफी, अगर तुम मुझे वीर कैसे कहते हो, वीर कौन होते हैं? अरे जो अच्छा मछली खाते हो आप वीर नहीं हो सकते? नहीं, बिल्कुल वीर नहीं। नहीं, मेरी गतिविधि नहीं है तो मैं वीर कैसे हो जाऊंगा? देश के लिए जो शहीद होता है उसे वीर कहा जाता है। जो अंग्रेजों से पेंशन लेता हो, अंग्रेजों की दलाली करता हो, अंग्रेजों करता हो, वो वीर कैसे हो सकता है? ये परिभाषा जो शहीद उसी को भी कहेंगे? बिल्कुल, ये तो कभी जो सैनिक लड़ते हैं वो भी नहीं है। ये वीर तो कभी थे नहीं, परिभाषा लेकर आ गए अपने आप। प्रेम शुक्ला जी, अरे रुक जाइए सर, प्रेम शुक्ला जी, वीर सावरकर ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिन पर सबसे ज्यादा नवाज। अरे रुक जाइए, अभी आपने कहा कि बरी हो गए, बाद में बरी हो गए, मगर संयंत्र में उनका हिस्सा तो बाद में बरी हो गए फिर तो ना उन्होंने, ठीक है रचा तो। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, क्या ये 24 की जंग है और इसीलिए वीर सावरकर को बदनाम करने की कोशिश हो रही है, अंडर रेट किया जा रहा है? वीर तो ना कहिए ना, नाम तो दुरुस्त लीजिए। वीर मानी रह जी, आप नाम सही करिए। वीडी सावरकर नाम है ना, चलिए ठीक है, नाम वीडी सावरकर है। प्रेम शुक्ला जी को तो वीर नहीं कहते, अब रोक वाली बात कर रहे हो, वीर नहीं कहेंगे चंद्रशेखर आजाद को। प्रेम शुक्ला जी क्या बात होने जा रही है? प्रेम शुक्ला जी, चलो मुझे माफी दो, मुझे नहीं किसी की तरफ की बात नहीं, किसी भी कारण से मुझे मुझे किसी के चक्कर में नहीं अच्छा लगता है। मैं तो लगना चाहता हूं लिखे शांत हो, ये कहा सबकी आवाज डाउन कर दीजिए। प्रेम शुक्ला जी क्या बात होने जा रही है, इनकी भी आवाज डाउन करिए। इस प्रज्वलंत इतिहास के सबसे बड़े दैदीप्यमान तारे हैं, उन उस दैदीप्यमान तारे का भारत के जो क्रांति सूर्य रहे हैं उनके बारे में हमको किसी सर्टिफिकेट लेने की क्या आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं है। इनको जो कहना है कहते रहें, इनको जो करना है कर लें। हम वीर सावरकर को वीर सावरकर कहेंगे, उनकी जो गतिविधियां थी उनका सम्मान करेंगे, उनके प्रज्वलंत इतिहास को हम जनता के समक्ष रखेंगे, उनको वीर कहेंगे। इन जो है नमक हरामों से हमको क्या पूछने की जरूरत है? क्या नमक हरामों से पूछने की जरूरत है? ये जिन्ना के चारों से क्या पूछने की जरूरत है? जिन्ना के हमको आता जुतियाने का हमारे कोई बात है वाकई नहीं है। आपको स्टूडियो में जुतिया नहीं, बिल्कुल ऐसी बातें नहीं, बिल्कुल ऐसी बातें सर, हम बिल्कुल नेशनल टेलीविजन पर अलाउ नहीं करेंगे।